Hello everyone, I'm Dr. Kiran Vyavare, consultant anesthesiologist and a pain physician at Wockhardt Hospital, Nagpur. Welcome to my channel on anesthesia safety and surgery. In my previous videos, we have discussed about different types of anesthesia that are given, the pre-anesthetic checkup, and certain do's and don'ts during surgery. Today we'll be discussing about BLS. What does it mean? BLS means basic life support. That means when a person is found lying on the road unconscious, the first aid that is given to that person is known as the basic life support. So how you are going to help that person? When the person is unconscious on the road, you can help by performing the basic life support. Why is it important? Because by the time the ambulance comes or by the time the doctor arrives, it becomes too late. Many times the patient cannot survive that period. So that is the golden hour during which you can help. So this is a time when you can give basic life support. So today we will be discussing about the basic life support that is given on the roadside, in the malls, at your home, till the ambulance arrives. So today we'll be showing one scene that a young couple goes to the restaurant, they order their menu. And by the time the menu comes, the young boy collapses. This scene we will be enacting and we will be showing you what all you can do to help that person. So come on, let's go and see that first scene of the restaurant. ये कॉमन सीन होता है रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक प्लेसेस में और कहीं पे भी इस तरह से पेशेंट की तरफ क्राउडिंग किया जाता है जो पेशेंट को हानिकारक होता है. सबसे पहले आपको इस तरह से क्राउड नहीं करना है, लेट हिम ब्रीद, डिस्पर्स हो जाइए. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक पर्सन एम्बुलेंस को कॉल करेगा. सबसे पहले एम्बुलेंस इज 108 नंबर है, एक पर्सन एम्बुलेंस को कॉल करेगा. पेशेंट को आपको ठीक तरह से लिटाना है, ठीक है. तो क्या करना है, आपको नेक सपोर्ट देना है, नेक को सपोर्ट देना है, बैक को सपोर्ट देना है और इस तरह से एक फ्लैट सरफेस पे पेशेंट को लिटाना है, ठीक है. अभी हमको पेशेंट के पैर में से शूज़ निकालिए, उसके कोई क्लोथिंग है टाइट है तो थोड़े से लूज़ करिए. पेशेंट का पैर को लिफ्ट करिए, इससे क्या होता है, जो पेरिफेरी में ब्लड गया होता है, मतलब पैर के तरफ जो ब्लड गया होता है वो वापस हार्ट के तरफ आता है. और अगर पेशेंट सिर्फ बेहोश हुआ है पर्सन, तो वो होश में आता है. अभी ये कंडीशन में पेशेंट होश में नहीं आ रहा है. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उसका ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं. लुक, लिसन एंड फील. अगर ब्रीदिंग नहीं है तो आपको देखना है कि उसके चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं. चेस्ट राइज हो रही है क्या, देखिए. आपको देखना है उसकी सांस चल रही है क्या, नहीं चल रही है, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसका पल्स देखना है, कैरोटिड पल्स बोलते हैं उसको. वो चल रहा है क्या, वो भी नहीं चल रहा है. इसका मतलब पेशेंट पूरी तरह से अरेस्ट में गया, मतलब हार्ट अटैक होके या फिर हार्ट उसका बंद पड़ा हुआ है. अभी ये टाइम पे अगर डॉक्टर को आने में टाइम लगता है तो वो गोल्डन आवर लॉस होता है. इसका मतलब है आपको ही करना है. जो भी है, दो पर्सन यहाँ पे हेल्प करने के लिए आएंगे और हमको स्टार्ट करना है बेसिक लाइफ सपोर्ट. अभी बेसिक लाइफ सपोर्ट मतलब क्या करना है, हार्ट को रीस्टार्ट करना है, मतलब उसको कंप्रेशंस देने हैं. तो एक जन अभी डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि हार्ट को किस तरह से चालू किया जाता है. सबसे पहले पेशेंट के साइड में इस तरह से नील डाउन करिए,
फिर उसके बाद आप देखिए उसको कंप्रेशन कहाँ देना है, हार्ट के जो निप्पल रहता है, निप्पल के जो लाइन जॉइनिंग रहती है उसके बीच में हमारा चेस्ट बोन होता है, वो चेस्ट बोन को हमें कंप्रेशन देना है। अभी हाथ कैसे रहने चाहिए, आपका एक हाथ इस तरह से फैला होना रहना चाहिए फिंगर्स, उसके बाद दूसरे हाथ को उसको लॉक करना है, फिर आपको देखना है कि ये जो आपका एल्बो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रेशर दे सके, और उसको चेस्ट बोन पे रखना है इस तरह से। इसके बाद पेशेंट आपका जो पूरा वेट है उस वेट से पेशेंट के चेस्ट को दबाना है, उससे क्या होने वाला है कि हार्ट जो है वो प्रेस होता है और एक आध बार हार्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप। सो एवरी वन सेव वन, मतलब एक जन अपना एक लाइफ सेव कर सकता है, पेशेंट्स के रिलेटिव हो कोई भी हो। सो आपको ये बेसिक लाइफ सपोर्ट आना ही चाहिए ताकि घर में अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर ऐसे ही अगर अरेस्ट होता है तो आपको ये चीज़ करनी है। तो अभी क्या करेंगे हम, हमको प्रेशर देना है हार्ट को, तो कैसे देंगे, चेस्ट बोन और बैक बोन इसके बीच में हार्ट को कंप्रेस करना है, तो उसको ज़ोर से हमको प्रेशर देना है। अभी ये चीज़ हम एक डमी पे डेमोंस्ट्रेट करेंगे। अभी हम आपको एक डमी के ऊपर दिखाएंगे कि किस तरह से बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को हमने एक फ्लैट सरफेस पे रखा है, उसके बाद एक आपको साइड में नील डाउन करना है, आपके घुटने के ऊपर आपको इस तरह से नील डाउन करना है, फिर आपने देखना है कि कहाँ देना है चेस्ट कंप्रेशन। तो ये मेमोरी जो एरिया रहता है, मतलब इंटर मेमोरी लाइन बोलते हैं, दो निप्पल्स के बीच में, दो निप्पल के बीच में ये है हमारा चेस्ट बोन होता है। अभी आपको एक हाथ को स्ट्रेट रखना है, फैलाना है उंगलियों को, दूसरे हाथ को इसको लॉक करना है। इसके बाद हमको चेस्ट बोन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से प्रेशर देना है। पूरा वेट आपको पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, ज़ोर से पूरा दबाना है, पूरा फुल प्रेशर के साथ, इसको कहते हैं कार्डियक मसाज। इस तरह से पेशेंट को कंप्रेशन देने से उसका हार्ट जो है वो चेस्ट बोन और बैक बोन के बीच में कंप्रेस होता है। ये कितना टाइम तक करना है आपको, आपको जब तक कोई हेल्प ना मिले या कोई एम्बुलेंस ना आ जाए, कोई डॉक्टर ना आ जाए या पेशेंट को होश ना आ जाए। अगर पेशेंट को होश आ जाता है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, बट पेशेंट अगर बेहोश पड़ा है, उसका ब्रीदिंग भी नहीं चल रहा है और उसका हार्ट भी नहीं चल रहा है, वो टाइम पे आपको इस तरह से कार्डियक कंप्रेशन चालू रखने हैं। ये कितने देने हैं, 100 से 120 पर मिनट। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर तक उसका डिफ्लेक्शन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, अगर आप थक जाते हैं तो दूसरे पर्सन को बोल सकते हैं कि आप करिए, क्योंकि 120 बार 1 मिनट में देना इट्स नॉट इजी। इस तरह से आपको अगेन चेस्ट बोन देखना है और इस तरह से कंप्रेशन देते रहना है। ये आपका जो वेट है पूरा तरफ से आपके आर्म्स के थ्रू उसके चेस्ट पे जाना चाहिए, इस तरह से उसको कंप्रेशन देते रहना है। इस बीच में अगर पेशेंट वॉमिट करता है, मतलब उसके मुँह में उसका फूड जो रहता है वो आता है, तो हमने क्या करना है, पेशेंट को एक साइड में करवट पे लेफ्ट लैटरल टिल्ट देना है, यहाँ से उसका जो वॉमिटस है वो निकल जाता है, या तो फिर एक गॉस पीस एक कपड़ा लेके उसके मुंह में से उसको साफ करना है, फिर सीधा होके उसका कंप्रेशन शुरू करना है। ये हमको कब तक करना है, जैसे मैंने बोला कोई आने तक, कोई डॉक्टर आने तक आपको ये चालू रखना है। आप थक जाते हैं एक और पर्सन आके आपको स्विच कर सकता है, तो इस तरह से आपको ये कंटिन्यू करना है। ये जो टेक्निक हमने दिखाया है इसे COLS कहते हैं, मतलब कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। इसमें फ़र्क ये है कि हम सिर्फ हार्ट को कंप्रेशंस देते हैं, हम लोग BLS में क्या करते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, एक रेस्पिरेशन देता है जैसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है, और दूसरा व्यक्ति होता है जो कंप्रेशन मतलब कार्डियक कंप्रेशन जो हमने देखा है वही देता है। तो आजकल COLS सफिशिएंट होता है, मतलब कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट सफिशिएंट होता है, इसलिए हमने वही दिखाया है। अभी एम्बुलेंस आ गई है, स्ट्रेचर भी आ गया है, तो आपको पेशेंट को अच्छी तरह से शिफ्ट करना है ये देखते हुए कि आप उसका स्पाइन या फिर उसका नेक और कोई डैमेज ना कर सके। अच्छे से उठो, इस तरह से पेशेंट को जेंटली बेड पे लेके
पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। जब तक एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस आने के बाद वो अपना लाइन लेना, बाकी सब मेडिकल मैनेजमेंट चालू हो जाती है। सो टुडे आई वुड लाइक टू थैंक माई स्टाफ। आई विल कॉल अपॉन सीनियर सिस्टर इंचार्ज सविता सिस्टर, संजय द टेक्नीशियन, सिद्धार्थ अ टेक्नीशियन, सुरेखा साफ, रमेश, हाँ, मुकेश, शालिनी, सो ऑल दीज आर फ्रॉम वोकर, प्लीज कम join in. So this is the whole team. I would like to thank everyone for coming and helping me out with this video. Thank you very much. Thank you, ma'am. So friends, I hope you have liked this video and it would be beneficial for you, and you will be able to save at least one life during your own lifetime. So if you have liked this video, please subscribe to it or press the bell icon and put the like, the thumbs up. Thanks for watching. Thank you.